तो अभी भी आप लोगों की रियल पेपर की तलाश जारी होगी ना, क्योंकि YouTube पर तो मतलब एक दिन में 20 से ज़्यादा वीडियोस तो डली जाते होंगे कि गाइस रियल पेपर आ गया है तो जाकर जल्दी से देखो, है ना। तो यार देखो क्या है कि वीडियोस तो डलेंगी, ठीक है, अपन ना उन्हें रोक सकते हैं ना वो लोग रुकेंगे, ओके। तो वो सब तो होता रहेगा। तो गाइस जो फिजिक्स की वीडियो मतलब फिजिक्स के जो क्वेश्चन है लास्ट 5 ईयर्स के, मतलब 5 साल पुराने, क्योंकि आप लोग जहाँ तक टॉपर्स के इंटरव्यू देखो या किसी को भी अपने टीचर्स वगैरह से पूछो तो वो लोग यही कहेंगे कि लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, ओके। तो उसके लिए हम लाए हैं 5 ईयर्स पहले के पेपर्स और साथ में जो अभी 10 मॉडल्स पेपर्स आए हैं उन सभी का मिक्सचर करके ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं, ओके। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया है, अप्रॉक्स 5 to 6 डेज, ठीक है। तो इतनी मेहनत के लिए वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक तो आप लोग नहीं करोगे, वो तो वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है ना कि अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करोगे, एंड कमेंट में बता देना कि क्या चीज़ गलती हो रही है एंड वॉइस वगैरह कैसी आ रही है, सही या ख़राब जो भी है ना, वो अपना कमेंट में बता देना, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 या 21 में आया था ये, ठीक है। विद्युत क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, कूलाम, फिर थर्ड वाला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। फिर उसके बाद आ जाएगा, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। उसके बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अब इनके सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे, तो सॉल्यूशन आपके बन रहे हैं, डोंट वरी। अब मैं तुरंत तो सॉल्यूशन नहीं बना सकता है ना, पहले अपन लोग क्या कर रहे हैं, टॉपर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी चैनल्स की नहीं। पहले हम लोग ये कर लेंगे क्वेश्चंस कंप्लीट, फिर जिससे कि आप लोग भी ढूंढ लोगे हम भी ढूंढ लेंगे, ओके। फिर उसके बाद आएंगे अपने आंसर्स, ओके। तो आप लोग बस पढ़ते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिमासिक एग्ज़ाम में भी फोड़ना है, बाकी फाइनल में तो फोड़ना है, 90+ सभी स्टूडेंट्स के। एंड ये भी अगर आप लोग मैथ्स लिए हो तो यार, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को मैं खासकर बोलना चाहता हूँ, अपनी मैथ की प्रैक्टिस जारी रखना और हिंदी को साथ लेकर चलना। हिंदी इंग्लिश को जो आप लोग थोड़ा डिस्टेंस बना कर रहते हो ना, हिंदी और इंग्लिश से खासकर, तो उससे थोड़ा सा मतलब रिलेटिव हो जाओ या थोड़ी सी उनसे दोस्ती कर लो यार थोड़ी, मतलब अगर एक दिन में आप उन्हें आधा आधा घंटा देते चलो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कोचिंग्स में जैसे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हो तो थोड़ा थोड़ा टाइम उन्हें भी देते जाओ हिंदी इंग्लिश को, तो आपकी वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं तो वो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। तो एंड वीडियोस में यार ये थोड़ी एडवाइस देता रहता हूँ तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, क्योंकि यार आप लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्शन है, मतलब हार्डली कनेक्शन है, 11th से है तो एडवाइस देते थे। बाकी दूसरी क्लास में नहीं बोलने का मन करता क्योंकि उनको ना जानते हैं हम लोग, लेकिन आप लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं क्योंकि कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं सभी के, है ना, ओके। तो अभी हम लोग कहाँ तक हो गया था, आई थिंक कूलाम यहाँ तक हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। तो हाँ ये भी इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश से आप क्या समझते हो, तो ये 4 लाइन या 5 लाइन का है, ठीक है। कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, तो ये भी आपको बताना है। कूलाम का नियम भी आपको कर लेना है जो, और इसके लिए व्यंजक निकालना है, ये क्वेश्चन भी आप लोग कंप्लीट कर लेना, इसी में आ सकता है या मतलब अगर कूलाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ना तो आपका कूलाम का नियम बन सकता है, एंड कूलाम से रिलेटेड जैसे व्यंजक निकालने के लिए काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं क्वेश्चंस कहाँ गए, हाँ, विद्युत सेल किसे कहते हैं। तो गाइस एक और इम्पॉर्टेंट बात, सेल से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। सेल आप लोग अगर एक सेल किसे कहते हैं एंड सेल के लिए मतलब काफ़ी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता दूंगा। विद्युत धारिता क्या है, अगर जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है धारिता कट गया है तो डोंट वरी यार, नहीं कटा है, मतलब नहीं कटा है विद्युत धारिता, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, लिख लो 2023 ये मिलने वाला है, ये वाला मिलेगा और विद्युत सेल किसे कहते हैं ये वाला मिलेगा 100% और धारिता वाला भी, ठीक है।
ओके एंड हाँ, कॉलरास का नियम इसमें नहीं दे पाया हूँगा तो सॉरी, बाकी कॉलरास और वीट स्टोन ये दोनों कंप्लीट कर लेना। ओके कॉलरास और वीट स्टोन वाले क्वेश्चन है ना, वो दोनों ही कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हो, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं तो ये भी बताना है अपन को। ओके अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है एंड वो भी बताना है। संट क्या है, ये क्वेश्चन लिख लो इसमें 2023, मतलब ये मिलने वाला है आपको, त्रिमासिक में ना मिलेगा, अर्धवार्षिक में भी ना मिलेगा, तो वार्षिक में मिलेगा, मैं ये गारंटी देता हूँ लिख कर। ओके ये त्रिमासिक अर्धवार्षिक में, क्योंकि वो लोग नहीं देते, वो लोग बहुत चालाक होते हैं कि इन दोनों को अभी नहीं देंगे, जिससे स्टूडेंट्स को लगेगा यार ये क्या ही करना है बाकी, लेकिन ये फाइनल में आ सकता है। ठीक है जहाँ तक तो ये टर्मिनल में और हाफ ईयरली में तो मिलेगा ही मिलेगा है ना, क्वार्टरली हाफ ईयरली में तो मिलेगा, त्रिमासिक अर्धवार्षिक में तो मिलेगा, लेकिन फाइनल में तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड ओम के नियम को सदिश रूप में लिखिए, इसको कैसे लिखेंगे सर, ये थोड़ा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है तो? नहीं यार ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ईजी क्वेश्चन है। ओके फिर नेक्स्ट है गॉसियन पृष्ठ क्या है, गॉसियन पृष्ठ क्या है, बहुत मतलब अगर आप लोग कोचिंग जाते होगे तो इन ये जो मतलब अलग क्वेश्चन रहते हैं ना, इनको अलग से कराया जाता है कोचिंग्स वगैरह में, तो हाँ यार कोचिंग भी जाया करो, अगर कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते तो यूट्यूब पर ही ये सब चीज़ें कराई रखी हैं आपकी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ क्या है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक ये आपके तीनों एग्जाम्स में मिलेगा, त्रिमासिक अर्धवार्षिक एंड, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स में आया ही आया है 2 मार्क्स में। ओके 2 मार्क्स में भी आया है, 3 मार्क्स में भी आया है। फिर है 1 MCV को जूल में व्यक्त करो, ये उतना खास नहीं है लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है। ओके किलो वॉट घंटा से क्या तात्पर्य है, ये भी आपको कर लेना है, अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध स्थापित कीजिए, ये तो आपको बहुत अच्छे से करना है, अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध स्थापित करना है तो ये बिल्कुल क्वेश्चन आना ही चाहिए, अनुगमन वेग अलग से आना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विभव मापी का सिद्धांत समझाइए, अब ये क्वेश्चन आपका मिलने वाला है 3 या 4 नंबर में। ओके विभव मापी वाला, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। ओके गाइस नेक्स्ट है संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन लिखिए, अब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा यार, आप बोलोगे कि सर ये क्या है, मतलब हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कौन बताता है यार, क्या करें, ये प्रीवियस ईयर पेपर है और ये हर साल पूछे जाते हैं तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ना है। ओके सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, गिनती के ही तो क्वेश्चन है यार, आपको त्रिमासिक में बस इतू सा तो पढ़ना है, उसमें भी इम्पोर्टेंट ढूंढेंगे, लेकिन हाँ मैं बता देता हूँ कौन कौन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है वो चीज़ जैसे ये संधारित्र का श्रेणी क्रम आ जाएगा है ना, श्रेणी क्रम बहुत इम्पोर्टेंट, श्रेणी क्रम एंड समांतर क्रम, लेकिन श्रेणी क्रम ज़्यादा पूछता है, समांतर क्रम उतना ज़्यादा नहीं पूछता है संधारित्र का, लेकिन श्रेणी क्रम हाँ ये बहुत ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट है किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र का निगमन करो, ये भी आप लोग कर लेना बाकी। एंड वैसे ही एक और है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक स्थापित कीजिए, ये व्यंजक यार मेरे को नहीं पसंद थे ये व्यंजक बिल्कुल भी कौन मतलब सॉल्व करते रहना, लेकिन हाँ स्कोर मेरा भी बहुत अच्छा था फिजिक्स में अप्रॉक्स 98। ओके चलो नेक्स्ट है आवेश के रेखीय घनत्व से क्या तात्पर्य है। ओके नेक्स्ट है परावैद्युत के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है परावैद्युत, लेकिन परावैद्युत इम्पोर्टेंट है, ध्रुवण से तात्पर्य ये वाला उतना नहीं है, लेकिन आवेश के रेखीय घनत्व वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसे अलग से कर लेना। ओके नेक्स्ट है संधारित्र के उपयोग लिखिए, संधारित्र तो यार कर ही लेना, अगर जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये कट गया है तो ये कटा नहीं है गाइज। ओके विद्युत फ्लक्स को विस्तार से समझाइए, तो पहले तो आप लोग विद्युत फ्लक्स पढ़ लेना, उसके बाद विस्तार तो देखा जाएगा, लेकिन विद्युत फ्लक्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ओके ठीक है अब लास्ट पीरियड बची है, मतलब लास्ट पेज बचा है, कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए, देखो आ गया कूलाम का नियम। ठीक है तो अभी क्या था, कूलाम भी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था ना, कूलाम अच्छा ये ओम था, हाँ ओम चलो कहाँ पे थे हम, यहाँ पर। फिर आ जाता है वैद्युत तार से क्या तात्पर्य है, वैद्युत तार भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड वैद्युत तार से क्या तात्पर्य है ये तो हो गया। एंड नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए।
फिर नेक्स्ट है, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है? अगर है तो क्यों, ये भी बताना है आपको। ठीक है, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने इतने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए ना, तो त्रिमासिक में आपको कोई भी कम नंबर नहीं दे सकता, एंड आपकी तैयारी यहीं पे 80% प्लस हो जाएगी। बचे MCQ तो वो भी आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे, है ना। मैं भी थोड़ा सभी सब्जेक्ट देखना पड़ता है यार, तो थोड़ा वीडियो आप लोगों की लेट आती है, बट एडजस्ट कर लिया करो यार। ओके, एंड आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जिसने वीडियो लास्ट तक देखी है तो #topper solution लिख देना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।